इम्पल्सेस, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आज के समाज की ज्वलंत समस्या है। हम किसी की बात को बियर नहीं कर सकते, किसी के रिएक्शन को बहुत देर तक सहन नहीं कर सकते और हम उस स्थिति में मनोदशा मानसिक चले जाते हैं जिससे हम अपने और अपने परिवार का नुकसान कर बैठते हैं। परिवार अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तमाम खबरें आती हैं, किसी माँ ने अपने बेटे को तांत्रिक के कहने पे आग में डाल दिया, कोई कूद के मर गया। अब आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं साथियों, तो 3 दिन में 168 आत्महत्याएं भारत देश में हुई हैं। यह स्थिति हो गई है इम्पल्सेस की। हम बर्दाश्त नहीं बची, आदमी में धैर्य नहीं बचा, वक्त को वक्त देने की मानसिकता खत्म हो गई है। हर चीज़ तुरंत चाहिए, खासकर आज की नई पीढ़ी में। तो मैं आपके लिए वही इम्पल्सेस का वीडियो लेकर आया हूँ कि जो मन में आपके इम्पल्सेस भावनाएं अचानक पैदा हों, इनको आप कंट्रोल कैसे करें। शायद यह वीडियो समाज की बहुत मदद करेगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। मैं ज़्यादा वीडियोज़ के विषय में नहीं कहता हूँ, लेकिन ये वीडियो इस समाज की मांग है, क्योंकि इस भारत देश में 3 दिन में 168 आत्महत्याएं हुई हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, आज गंभीर विषय पर बात हो रही है। आज का जो ये असहनशील समाज है, जिसमें हम असहनशील हो गए, किसी के प्रति सहनशील नहीं रहे, अपने प्रति भी सहनशील नहीं रहे, अपने परिवार के प्रति भी सहनशील नहीं रहे, पेशेंस हमारी ख़त्म हो गई है, धैर्य हमारा ख़त्म हो चुका है, हम में एक झुंझलाहट है, हम में एक गुस्सा है, हम में एक अंदर एक परेशानी है। और यह स्थिति साथियों जन्म देती है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। आज हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएँ इसी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के विषय में। पहला सवाल साथियों जो उठता है वह यही है कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की परिस्थितियां, यह ही बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी इम्पल्सेस की समस्या है। इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं, उसमें हम ऐसा अनिष्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ गलत कर देते हैं जिनको जीवन भर हमको रिग्रेशन रहता है। कोई भी सिम्टम जो अचानक इसमें पैदा हो, आप में अचानक पैदा हो, आपको अपने प्रति या दूसरे के प्रति कुछ हार्म पहुंचाने के लिए, कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए, कुछ कष्ट पहुंचाने के लिए रिएक्शन आपका सडन हो, वही एक तरह से बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या इम्पल्स होता है। ये जाहिर सी बात है, क्या है, एक दिमागी मानसिक कंडीशन है और हम इसमें परेशान रहते हैं। आज हम बताएंगे साथियों आपको कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं, लेकिन इम्पल्सेज आप अपने आप में साइकेट्री का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, दवाएं मैं आपको बहुत अच्छी बता रहा हूं, लेकिन कोई दवा कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। और अगर साथियों इम्पल्सेज आ रही हैं तो आपको भी अपने को ठीक करना पड़ेगा। ठीक का सेंस अपनी मनोदशा को, मानसिक स्थिति को ठीक करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, दूसरों के प्रति अपनी उम्मीद को कम करना पड़ेगा, स्वयं के प्रति अपनी उम्मीद को कम करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को आपको रेगुलर करना पड़ेगा, आपको अपने भोजन में बदलाव करना पड़ेगा, आपको अपने सोने के वक्त में बदलाव करना पड़ेगा और आपको थोड़ा शांत रहना सीखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर स्थिति हमारे हिसाब से नहीं चल सकती। हमें काला रंग पसंद है, हो सकता है आप कहते हो साहब डॉक्टर साहब काला रंग पहन के वीडियो बनाते हैं, काला रंग तो बहुत ही बुरा रंग होता है, गम की निशानी होता है, मनहूसियत की निशानी होता है, बहुत ही दुख की निशानी होता है, और कोई हो जिसको काला रंग बहुत अच्छा लगता हो तो अब आप साहब उस पर गुस्सा करने लगे। आपका बच्चा है, मान लीजिए आपका मन है वो इस वक्त खाना खाए, उसका मन नहीं है इस वक्त खाना खाने का। आपका बॉस है तो आपका मन है कि वो आपको छुट्टी दे, उसका मन नहीं है छुट्टी देने का, ज़रूरत है उसकी, क्योंकि काम ऑफिस में ऐसा है जो मान लो आप ही उस कुर्सी पे कर सकते हैं, उसको अपने ऊपर जवाब देना है, तो आप में इम्पल्स आ गई।
यही गलत है, यहीं पे दिक्कत होती है और यह बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की स्थिति में मरीज आता है। तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आदमी वही है जो सारी परिस्थितियों को साथ लेके चले। विपरीत परिस्थितियाँ सबके आती हैं। हम लोग अपने देश के प्रधानमंत्री की बात कर लें, मोदी जी, कितनी विपरीत परिस्थिति आई होगी, चाय बेचने से लेकर आज देश के सर्वोच्च पद पे हैं, रास्ते में कितनी विपरीत परिस्थितियाँ आई होंगी, कितने लोगों ने उन्हें दरवाजे पे खड़ा रखा होगा, कितने लोगों ने उन्हें मीटिंग के बाहर खड़ा रखा होगा, कितने लोगों ने उन्हें भगाया होगा, कितने लोगों ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया होगा, कितने लोगों ने उनको जो है वो कितने रास्ते बताए होंगे। तो अब उनमें इम्पल्स होती, वो सबका नुकसान पहुँचा देते या अपने को गोली मार लेते या अपनी नस काट लेते हाथ की। नहीं, लेकिन इस सारी परिस्थितियों से निकल के वो आदमी आज आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आज आप तारीफ़ कर सकते हैं उसकी। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत लोग तारीफ करते हैं, लेकिन ये सत्य है कि वो देश के सर्वोच्च पद पे है और सबसे निम्न स्तर से, जो कि उसका घर बताता है कैसा था, उस स्तर से उठ के, निम्न स्तर मतलब निम्न आर्थिक स्तर से उठ के इस समय राष्ट्रपति के बाद सबसे ज़्यादा तनख्वाह प्रधानमंत्री की ही होती है। वो अलग बात है कि ये माना जाता है कि वो बहुत पैसा डोनेट कर देते हैं, सारे अवार्ड्स का पैसा देश के खजाने में डोनेट कर देते हैं और करा भी है उन्होंने, तमाम अवार्ड यूएनओ में और मिले हैं, वो पैसा उन्होंने डोनेट करा है, जो उनको गिफ्ट्स मिले उसकी उन्होंने नीलामी करी है, लेकिन वगैरह वगैरह, विषय वो नहीं है। विषय यही है कि हमें अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल करना पड़ेगा और आज हम आपको बताएंगे होम्योपैथी की कुछ कारगर दवाएं जो आपके ये एक्शन और रिएक्शन का जो फर्क होता है इसको मिटाने में आपकी मदद करेंगी। एक साथियों सिम्टम आता है कि अगर अपने मन से काम नहीं हुआ तो सामने वाले को मार देने का मन करता है। इम्पल्स आती बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। तो अगर साथियों यह स्थिति हो कि आपके मन में उस समय विचार आता हो सामने वाले को मार देने का, जब आपके मन से कार्य नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्स सॉल्युबिलिस। मर्स सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर आप इस परिस्थिति में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जब आपके हिसाब से काम ना करने पे सामने वाले को आपको मारने का जान से मन करता है। तो इस गलत मनोदशा को ठीक करने की एक बहुत कारगर दवा हो सकती है मर्स सॉल। एक स्थिति जो साथियों आती है कि आपके मन से कोई काम नहीं हुआ तो आपको गुस्सा बहुत आ गया और इम्पल्स आ गई। तो अगर यह स्थिति हो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कि आपको इम्पल्स आ रही हो जब आपके मन के हिसाब से काम ना हो रहा हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैमोमिला। कैमोमिला 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जब आपके मन के हिसाब से आपका काम ना हो रहा तो आपको बहुत गुस्सा आ रही हो, तो कैमोमिला आपकी हेल्प करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक साथियों स्थिति आती है, किसी की मनोदशा हो सकती है, गलत मनोदशा हो सकती है कि उसको कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो वहाँ भी संतुष्ट है, लेकिन उसके इम्पल्स आती है कि हम जो है वो सामान तोड़ें, सामान फेंकें, किसी को मारें, खुद को मारें, अपनी आत्महत्या कर लें। तो इस तरह का जो ये एंजाइटी वाला बिहेवियर है, तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवाएं हैं, या यूँ कहूँ 2 दवाएं हैं। पहली दवा हिपरसल्फ्यूरिकम और दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम। हिपरसल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हों, बिना किसी दिक्कत के आप परेशान हो, तो हिपरसल्फ आपकी बहुत अच्छी दवा हो सकती है। और आर्सेनिक एल्बम उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा हो सकती है जब मरीज को एंजाइटी हो, बेचैनी हो और उसमें इंपल्सिव बिहेवियर आ रहा हो, उस स्थिति में आर्सेनिक एल्बम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि आपको इतना गुस्सा आता है जब आपके हिसाब से काम नहीं होता, ऐसी इंपल्स क्रिएट होती, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कि आप बेहोश तक हो जाते हैं, चेहरा नीला पड़ जाता है और आप बेहोश हो जाते हैं। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो गुस्से की इस स्थिति की बहुत कारगर दवा है मॉस्कस। आप मॉस्कस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें, अपने गुस्से को इस दवा से कम करें और यह जो अपने को नुकसान पहुंचाने की बेहोश होने तक की आदत है इससे निजात पाएं। एक साथियों कुछ महिलाओं में कंडीशन आती है कि उनका मन करता है अपने पति को मार दें,
हस्बैंड को मार दें। उनके साथ उनका बड़ा अच्छा व्यवहार है, पति के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों उनका दिमाग से मन करता है। तो अगर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का इम्पल्सिस का यह पहलू हो तो इस पहलू को ठीक करने की, खुद को परेशानियों से बचाने की और खुद का घर ख़त्म करने की सोच को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है प्लैटिनम मिटैलिकम। प्लैटिनम में 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप इस दवा को लेकर अपनी इस इम्पल्स को ख़त्म कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि आपका मूड स्विंग हो गया, अचानक मूड स्विंग हो गया, जब एक कार्य आपके हिसाब से और आपको बहुत अच्छा लग रहा है और दूसरे ही पल वो आपके हिसाब से कार्य नहीं हुआ तो आपको बहुत बुरा लगने लगा, इतना बुरा लगने लगा कि आप गुस्से से चिल्लाने लगे और बाद में अपने इस कार्य पे आप पश्चाताप भी करने लगे। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्रोकस सैटिवस। आप क्रोकस सैटिवस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इस इम्पल्स को ख़त्म करेगी कि एक पल में आपको गुस्सा नहीं आ रहा, खुशी हो रही जब आपके हिसाब से कार्य हो रहा और आपके इच्छा के विपरीत कोई कार्य हुआ तो इतना गुस्सा आया कि आप चिल्लाने लगे और बाद में आपको अपनी इस एक्टिविटी पर पश्चाताप हुआ। तो अगर यह इम्पल्स है, यह बॉर्डर लाइन डिस ऑर्डर का पहलू है तो आपको इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है क्रोकस सैटिवस। एक साथियों इम्पल्स आती किसी मरीज में कि डूब के मरने का टेंडेंसी होती कि हम कहीं डूब जाएं और कहीं नदी दिखे, कहीं तालाब दिखे, कहीं पानी दिखे, कहीं बंदा दिखे, कहीं डैम दिखे तो उसमें कूद के डूब के ड्राउन करके जो है हम जो है ड्राउन कर लें और सांसारिक परेशानियों से बाहर आ जाएं, चले जाएं। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति में अपने इस गलत विचार को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अस्टिलागो मेडिस। अस्टिलागो मेडिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर आप यह जो ड्राउनिंग का विशेष कर आत्महत्या करने का मन करता है इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आई कि आपके मन से कोई कार्य नहीं हुआ और आपको बहुत गुस्सा आ गया और आपके हाथ पैर कांपने लगे। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके ऐसी इम्पल्स पैदा हो कि आपके हाथ पैर कांपने लगें तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इस पहलू को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है वेलेरियाना। आप वेलेरियाना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इस कंपन को ठीक करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक साथियों इम्पल्स होती है किसी को कि अगर हाथ में चाकू हो तो अपने चाकू मार ले। तो अगर यह इम्पल्स किसी में आ रही बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का यह पहलू है तो उस पहलू को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लाइसिन। लाइसिन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर आप यह जो चाकू से खुद के फ्लेश को, खुद के मांस को गोद देने का जो एक इम्पल्स आती है इसको कंट्रोल करने का एक प्रयास कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि आप अपने मूड को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक पल में अच्छे और एक पल में बुरे। तो अगर यह स्थिति हो कि हर सेकेंडों में आपका मूड बदले और आपके इम्पल्स आए तो इस तरह के मूड स्विंग को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया अमारा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जब आपके मूड स्विंग बहुत ही कम वक्त में बदलते हों, अभी अच्छा पल भर में बुरा, फिर पल भर में अच्छा, फिर पल भर में बुरा, तो इस तरह की अगर मूड स्विंग की आपको दिक्कत हो और इम्पल्स आ रही हो, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है इग्निशिया अमारा। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप यह दवा लेकर अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है किसी को एक इम्पल्स आ सकती है कि ट्रेन चल रही है तो ट्रेन से बीच में नदी पड़ी तो ट्रेन से नदी में कूद जाएं, जंप कर जाएं, या पहाड़ से जो है वो जंप कर जाएं। तो अगर साथियों यह इम्पल्स आप में आ रही हो तो इस इम्पल्स को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपका ट्रेन से या पहाड़ से कूद के आत्महत्या करने का मन आता है, इम्पल्स आती, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एक साथियों स्थिति आती है कि जब आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों की इरिटेबिलिटी आ रही हो तो इसको मैनेज करने की होम्योपैथी में दो कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है सीपिया और दूसरी दवा है लिनियम टिग्निनम। सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब
आपको इरिटेबिलिटी हो, चिड़चिड़ापन आ जाता हो और कोई कुछ कहता हो आप रोने लगते हो, रोने की इंपल्स आ जाती हो, वीपिंग डिस्पोजिशन आ जाता हो और आप किसी से बात ना करना चाहते हो, अकेलापन, आपको अकेलेपन में चले जाना, जैसे गुस्सा आया अकेलेपन में भाग गए, तो अगर वह स्थिति हो साथी हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सीपिया। सीपिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर आप उस स्थिति में स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं जब आपको रोना आ जाता हो, रोने की इंपल्स आ जाती हो। और दूसरी दवा जो है इसकी इरिटेबिलिटी की वह है लिलियम टिग्निनम। लिलियम टिग 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपको गुस्सा बहुत आता हो और आप किसी का एक शब्द ना सुन पाते हो, इतना चिड़चिड़ापन हो आप एक शब्द भी सामने वाले का नहीं सुन पा रहे हैं। तो अगर यह स्थिति हो और शब्द सुनते ही आपके इंपल्स आने लगती हो, एक आपका एक्शन का रिएक्शन होने लगता हो, तो लिलियम टिग 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेके आप ऐसे स्थिति में अपनी मनोदशा और अपने दिमाग को ठीक करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों कुछ लोगों में आती है कि इतना गुस्सा आता है, महिलाओं में होता है, कि उनका मन होता है अपने बच्चे को आग में डाल दें। आपको सुन के ये, आप ऐसे नहीं है तो आपको सुन के ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन किसी में होता है। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले की खबर है, एक तांत्रिक के कहने पे जो है वो माँ ने अपने बच्चों को आग में फेंक दिया। तो ये होता है, ये सत्य है। तो अगर यह इंपल्स किसी में है साथियों, तो इस इंपल्स को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों नहीं आती है कि मरीज को जब उसके हिसाब से काम नहीं हुआ तो वह तोड़फोड़ शुरू कर देता है। वह स्थिति हो कि जब आपके हिसाब से काम ना हो रहा तो आपका ऐसी इंपल्स आ रही हो जिसमें आप तोड़फोड़ शुरू कर देते हो, कागजों को फाड़ देते हो, अगर कागजों का विषय है कपड़ों का विषय तो कपड़ों को फाड़ देते हो। तो अगर यह स्थिति है, औरतें जो है वो वाइफ जो है वो हस्बैंड को जो है वो बियर ना कर पाती हूँ, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं उस स्थिति में जब आपको सामान की तोड़ फोड़ की आदत है। अगर आपके हिसाब से कार्य नहीं हो रहा तो आप डिस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, तो इस इंपल्स की दवा है नक्स वोमिका। एक साथियों स्थिति हो कि आपके पास कोई कारण ना हो लेकिन फिर भी आप या तो सामने वाले को मारना चाहते हो जान से या खुद को मारना चाहते हो, तो अगर यह इंपल्स आप में आती हो साथियों और आपको गर्म बहुत लगता हो, आपका शरीर बहुत गर्म रहता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आयोडम। आयोडम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर आप अपनी यह इंपल्स की, आपके पास कोई कारण नहीं है लेकिन आप अपना नुकसान कर रहे हैं या अपने को या सामने वाले को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तीनों बातों हों, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आयोडम। आप यह दवा लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक साथियों स्थिति आती है कि आपके ऐसी इंपल्स आती कि आपसे काम नहीं हो रहा, आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा तो आप सामने वाले को मार देने का मन करता है। तो अगर ये किलिंग की टेंडेंसी हो, सामने वाले को मृत्यु मार देने का, जान से मार देने का आपका एक इंपल्स आती हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हिपरसल्फ्यूरिकम। आप हिपरसल्फ 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा ऐसे मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी और इसका जो ये किल करने की टेंडेंसी उसको ख़त्म करके, उस इंपल्स को ख़त्म करके बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के उस पहलू पे कार्य करके आपके जीवन को परेशानी में जाने से बचाएगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो और आपकी याददाश्त जाने लगी हो और आपको लगता हो कि अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, तो अगर ये फीलिंग आए कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और याददाश्त कम होने लगी और सिंपल्स में आप अपने को मारना चाहते हो, अपने से बहुत दुखी हो, अपने को खुद को पसंद ना करते हो, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लैक कैनाइनम। आप लैक कैन 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर खुद को ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज में बहुत गुस्सा आ रहा है और अगर आपके हिसाब से नहीं काम हो रहा तो ऐसी इंपल्स आ रही कि आप सामने वाले को मार दें, उस पर थूक दें, उस पर जो कर दें, तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना।
ब्रेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर उस मरीज को दी जाती है जिसको कि इम्पल्स आती है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि उसके हिसाब से कार्य नहीं हो रहा तो चेहरा लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है और वह थूकने लगता है, लड़ाई लड़ने लगता है, झगड़ालू हो जाता है। तो इस तरह के मरीज के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्रेडोना। आप इस दवा को दो दो बूंद दिन में तीन बार लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक साथियों स्थिति आती है, मरीज को अपने से दुख होता है और वह इंपल्स में आत्महत्या करने का प्रयास करता है। तो अगर यह स्थिति हो कि उस मरीज को लगता हो अब हम किसी इस समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए किसी काम के नहीं हैं और आत्महत्या का मन करे, तो वो जो इंपल्स हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ऑरम मेटालिकम। ऑरम में 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर आप इस दवा के सेवन से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, ऐसी इंपल्स मरीज में आती है कि उसके हिसाब से काम कार्य नहीं हो रहा है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो वह कपड़े फाड़ने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, तब तक चिल्लाएगा जब तक उसका गला ना बैठ जाए। तो अगर साथियों यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की, उस इंपल्स को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको कि इम्पल्सेज आती हों, कपड़ा फाड़ने की, चिल्लाने की, जब तक उसकी आवाज़ ना बैठ जाए। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेमोनियम ऐसे मरीज को लाभ देके उसकी मदद करेगी। एक स्थिति साथियों किसी में आती है जब उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा तो वो एक स्थिति तक अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बहुत जब पीक पे आ जाता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता और सामने गलत कार्य हो रहा है या उसके हिसाब से गलत कार्य हो रहा है, तो फिर वह गुस्से की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ता है। तो अगर यह स्थिति हो जहाँ पे मरीज में एटलीस्ट इतना सेंस है कि वह ऐसा ना करे ना करे ना करे ना करे, लेकिन जब वो चीज़ पीक तक उसके विचार पहुँच जाता है तो उससे फिर वह इम्पल्स में उससे एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। तो अगर यह स्थिति हो साथी हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्टेफिसैग्रिया। आप स्टेफिसैग्रिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार देकर ऐसे मरीज को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। ये साथियों को दवाएं थी होम्योपैथी में इम्पल्सेस को ठीक करने की, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ठीक करने की। लेकिन ये बता दूं साथियों क्या, क्योंकि यह एक जेनेटिक इनहेरिटेड कंडीशन भी हो सकती है किसी मरीज में, तो कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है, आपके परिवार के जीवन का सवाल है। मन में क्वेरी हो साथियों कोई तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे पाएँ। साथियों एक ये बहुत अच्छा वीडियो था, समाज की मांग का वीडियो था, समाज की ज़रूरत का वीडियो था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक के अलावा आप शेयर ज़रूर करिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए प्रेरित करिएगा। आपका साथियों हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।